क्या नजारा है बॉस, OMG। 40-50 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, हालत खराब हो गई यार। भाई गाइस, बहुत जल्दी लद्दाख राइड भी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करो। लुक एट दिस गाइस, स्पेशल बारबेक्यू। ध्यान से जाना। ओए उठ जा ओए। टाइम क्या है रहे? 5:30 हो गए। कसम से। उठ जल्दी। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस अभी टाइम आ रहा है जी 5:46 इन द मॉर्निंग। इतना जल्दी इसलिए उठे हैं क्योंकि शाहिद भाई का है आज पिकनिक। 6:30 इनको बस स्टैंड पहुंचना है, वहीं पर इनको सारे स्कूल की बसेस मिलेंगी, तो वहीं से इनको निकलना है। तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अरे उठ जाए, फिर से सो गया। जब हमारा पिकनिक हुआ कर रहा था, मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। क्या उठना बनेगा रे तू, उठ जा। मुझे जुकाम है यार। ये देखो जी 5:30 के नज़ारे। ओह क्या बात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त। ओह बर्ड्स की चर्पिंग, मज़ेदार। अरे ओए क्या सो रहे, उठना, नहा जल्दी। आ जाओ जी। तो गाइज निकल पड़े जी हम घर से, शाहिद भाई एकदम सही सवर के निकले हैं, क्या बात है। तो करते शाहिद भाई को ड्रॉप। फिर जाना किधर है? वो भी सरप्राइज ही है। ओके, वो भी सरप्राइज ही है। पैसा कितना लिया? 500। ओके, फिर अच्छी जगह होगी कोई। खैर ये रहा जी हमारा मेन मार्केट, अभी सारा बंद ही है। और वो रहा जी बस स्टैंड। मुझे कोई गाड़ी दिख नहीं रही। मुझे दिख रही है एक। हाँ दिख गई, बस एक गाड़ी आई है अभी, बस 5-10 मिनट में सारे आ जाएंगे। ओके गाइस बाय बाय। चलो जी बाय बाय, टेक केयर, अपडेट देते रहना। बिल्कुल, और ज्यादा उछल कूद मत करना, टेक केयर, ध्यान से। ओके बाय ब्रो। चलो जी बाय बाय, खुदा हाफिज। चलो कुछ भूल तो नहीं गया ना? पक्का। चलो ध्यान से जाना। चलो भाई वापस कितने बजे आओगे? वापस आएंगे लेट ही। चल बढ़िया यार, आप रात उतरे, रात उतरे, हम तो सनमक जा रहे हैं। क्या बात है जी। चल चल भाई, ये पिकनिक जाए और हम घर पे रहे। हाँ ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम भी जा रहे हैं, हम कैंपिंग पे जा रहे हैं आज। या हम इधर मैं चल रहे हैं कैंपिंग पे सोनामर्ग। बिल्कुल फिलहाल भी घर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करके आते हैं, उसके बाद चलेंगे 10-11 बजे निकलेंगे मस्त सोनामर्ग। एंड वी आर बैक टू आवर स्वीट स्वीट होम। गर्मा गर्म चाय इज हियर गाइस। गाइस नाश्ता वगैरह हो गया मेरा, एंड इसी के साथ हमारे यामिन भाई यहाँ पर आ चुके हैं और हम और हम निकल रहे हैं जी सनमा के लिए। जल्दी से हम बाइक पर सारा सामान फिट कर देते हैं, जुगाड़ करके, क्योंकि अभी हमारे पास पैनियर्स लगे हुए नहीं है, तो जुगाड़ करके एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट्स डू इट और निकलते हैं। ओके रस्सी कहाँ चलाऊं मैं यार, रस्सी दे। रखेगा कैसे? रखेंगे ऐसे, इस पे ठीक है, उससे बांध ऐसे। हाँ यहाँ से रस्सी निकाल ना, ठीक है। ये रस्सी कहाँ मिलेगी? अब इस पे रखते ये सोने में सुहागा, गाड़ी की डिक्की में से रस्सी मिल गई। टाइम पे पहली बार आज किस्मत का खेल। टेंट इसके अंदर है। ओके कंबल के अंदर टेंट है पूरा। डन गुड टू गो। या हेलमेट, अब बैग लटका के रखने हैं। अबे यार ऐसे लगा के चलाने मुझे, और क्या कसम से। अबे यार ये देख लो जी, बैग का भी जुगाड़ हमने कर लिया, क्या बात है। यानी भाई तो प्रो बंदे हमारे। चलो जी गुड टू गो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या बात है। आ जा कर गेट बंद। ओह गर्मी बहुत है यार आज, बाइक पे हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। चलो भाई तो निकल पड़े जी हम ऑफिशियली घर से। सोनामर्ग हमारे घर से है 120 किलोमीटर दूर, तो 120 किलोमीटर का सफ़र है। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह अच्छे से पहुंचेंगे, अच्छे से घर भी आएंगे। ये आ गया जी हमारा मेन रोड,
लेट्स गो। गर्मी बहुत है यार आज, ऊपर से भारी हेलमेट, 3-4 किलो का बस हेलमेट है, लेकिन क्या करें, सहना तो पड़ेगा। हम चाहते तो गाड़ी में जा सकते थे, लेकिन गाड़ी में जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी बहुत बार गया हूँ मैं सोनामर्ग, तो आज बाइक का एक्सपीरियंस करना था मेरे को। जो एक्सप्लोर हम बाइक पे कर सकते हैं वो गाड़ी में नहीं कर सकते, बाइक का अलग ही मज़ा है। हाँ, गर्मी वगैरह थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, लेकिन बाकी पेट्रोल पम्प गाड़ी की प्यास बुझानी है। सर जी 500 में पहुँच जाएंगे। भरा दिया जी पेट्रोल, लेट्स गो नाउ। अरे गाइस, बहुत जल्दी लद्दाख राइड भी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करो। बहुत जल्दी क्या यार, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मतलब यही 7-8 दिन बाद इंशाल्लाह लद्दाख राइड होगी स्टार्ट। कमेंट से बताओ कौन कौन सी जगह कवर करें हम। लद्दाख में 3 बार गया हूँ, लेकिन इस बार नेक्स्ट लेवल ट्रिप होगी, क्योंकि तब यार 2 साल पहले यार बच्चे थे, पता नहीं था सही से चीज़ों का या कंटेंट क्रिएशन का। अभी बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक जगह आपको बड़ी ही ज़बरदस्त अंदाज में दिखाएंगे। तरबूज खाएं? हाँ यार खाते हैं। ओए कैसा लग रहा है आपको आज? कानू बेटा दर्द हो रहा है ना, टाइट है ना इसकी पैडिंग। सौता 40-50 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया। ओह वाल खराब हो गई यार। एन भाई आप बताइए, बाल परेशान कर रहे हैं इसमें। ठंडा है ना? हाँ ठंडा है, नमक भी डाल दो, नींबू भी डाल दो। बैक ऑन द बाइक गाइस, तरबूज खा लिया, ठंडक मिल गई, अब चलते हैं। चल भाई, ये रहा जी अपना जहांगीर चौक। यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी है यार, हमारे यहाँ से इतनी गर्मी नहीं है, ओब्वियसली सिटी है तो। ओह क्या नज़ारा है यहाँ से। क्या बात है गाइस, नज़ारा देखो। तो अभी यहाँ से सोनमर्ग है जी 50 किलोमीटर्स, ये देखो 50 किलोमीटर्स दूर है हम अभी अपनी मंजिल से। अभी यहाँ से जितना हम आगे जाएंगे उतनी गर्मी कम होगी और खूबसूरती बढ़ती जाएगी। सामने पहाड़ देख रहे हो, वो पहाड़ पे हमें जाना है, उधर से सोनमर्ग है। भाई साहब लुक एट दिस माउंटेन यार, ब्यूटीफुल। ये है जी कंगन का मार्केट, कंगन नाम बड़ा मस्त है यार इसका, कंगन बोल चूड़िया बोल कंगन। रोड बहुत खूबसूरत है यार यहाँ से, माशाल्लाह। ओह क्या नज़ारे हैं, लुक एट दिस प्रो। अरे राइडर्स देखो क्या बात है, लद्दाख से आ रहे होंगे ये, ये देखो लद्दाख भी यहीं से जा रहा है। फॉर दोज हु डोंट नो, लद्दाख का सेम रास्ता है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम भी यहाँ से आएंगे लद्दाख के लिए। यामिन भाई हाँ। हमने गोश्त लिया ही नहीं फिर हाँ। गोश्त हाँ, वो तो भूल गए ना, अब सनमग में लेंगे यार, वो मैरिनेट भी करना है पहले, बारबेक्यूज बनानी है ना, अब सनमग से लेंगे गोश्त या चिकन। अगर गोश्त नहीं मिला तो फिर चिकन बारबेक्यूज बनाएंगे। भाई खूबसूरती देखो यार, ब्यूटीफुल लेह 381, लद्दाख 381। यहाँ से यहाँ रुक जाते हैं, आ जाए यार कुछ खाते हैं पहले, लंच नहीं कराया हमने। चलो जी लंच ब्रेक गाइज। ओह ओह कहाँ से यार, यहाँ से ओके। लंच ब्रेक ले ली गाइज, सुबह से बस वही तरबूज एक खाया है। क्या है मेरे पास, चेंज करेगा ये कहाँ निकलेगा, क्या ट्राउजर पैंट में कंफर्टेबल ही नहीं होना। अरे अब पहुंचा यार, अब 30 किलोमीटर है, अब क्या ट्राउजर पहनेगा, उधर ही पहना।
छोड़ अब बता क्या खाए। प्लेन पराठा, आलू पराठा। आलू पराठा खाए? आलू पराठा, आलू पराठा सर जी, आलू पराठा दो। ये आ गया जी हमारा आलू पराठा। तेरे में दही क्यों है? मेरे में दही क्यों नहीं? अच्छा दोनों के लिए ये दोनों के लिए आ जा। दाल इसमें कैसा है? बढ़िया। उसके साथ नहीं खाना। अचार अच्छा नहीं है? अच्छा खाना गर्म है यार। एक नंबर। ये देख लो जी कहाँ पे रुके थे हम। खूबसूरत नज़ारे और ये हमारी खूबसूरत सी बाइक और ये हम खूबसूरत लोग दो। चल जी लेट्स गो। खाना पीना हो गया, मस्त एनर्जी आ गई। लेट्स कंटिन्यू अवर सफ़र। 30 किलोमीटर बाकी है अभी, लेट्स गो। भाई साहब गाड़ी में यार ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर पाता बंदा जैसे बाइक पे कर पाता है। बाइक पर सब पूरा देख पाता है किधर क्या है, कौन सी जगह है, कैसे है। गाड़ी में यार अंदर ये देखो जी राइडर साहब, भाई घर देखो यार यहाँ से एकदम पहाड़ पे घर है। लुक एट दिस। ये दिखाना बनता है बॉस। ब्रो लुक एट दिस गाइस, कितने सुंदर घर लग रहे हैं ना। यान भाई देख रहा है क्या विचार है आपके? सुंदर। ये देखो बीच में से नदी बह रही है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। चलो जी लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से बाइक भगाने का मज़ा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, मज़ा आ रहा है। ओह 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 क्या नज़ारा है बॉस। OMG मेरे को जुकाम लग गया यार खतरनाक वाला। खैर इसी के साथ हमने एंट्री ले ली थी सदमा की खूबसूरत वादियों में। क्या बात है जी, यहाँ से बहता हुआ पानी, सामने खूबसूरत पहाड़ और चारों तरफ हरियाली हरियाली, क्या बात है। यामिन ठंड लग रही है? ठंड यार कमाल है यार, अभी तक हम गर्मी से परेशान थे अभी ठंड लग रही है। भाई ये क्या मस्त लग रहा है यार, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, चमक रहे हैं पहाड़। एंड फाइनली हम सनमार्ग भी बाइक लेकर आ ही गए, क्या बात है। एंड गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम हमारी कैंपिंग लोकेशन पे। एंड हेयर इट इज। ऑलरेडी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ मैं, आज फिर से इधर आ गए क्योंकि ये यार बेस्ट है कैंपिंग के लिए ये जगह। चलो जी यान भाई जी, फिट है आप? थके तो नहीं आप? भाई हालत खराब हो गई यार, लेकिन सामने नज़ारा देखो यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा थक गए यार, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली वी डिड इट, पहुंच गए हम बाइक लेके, अपनी प्यारी सी बाइक लेके सोनामर्ग पहुंच गए, खूबसूरत वादियों के बीच। Look at this. मुझे जुकाम है बस, ये प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। ये जुकाम ने परेशान कर दिया मुझे। भाई ये पीछे से था ना ऐसे? हाँ मिट्टी ना मिट्टी आ गई है। कमल बच गई। चलो ब्लैंकेट सेफ है ना, बैग घर में दो देखिए। ओह सनसेट का टाइम है यार। ओह भाई ये तो देख, सूरज ना सूरज। ओह क्या सीन है भाई, कड़क कड़क। चलो जी सामान लेके आ गए हम, अब टेंट लगाते हैं। मेरा ट्राउज़र देखो, बाइक पे क्या हालत होगी मेरी। ओह
पानी का भाव देखो यार, भाई लगा दे टेंट, यहाँ पे लगा रहे हम। अरे यार क्या कर रहे हैं। गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा टेंट लग चुका है, बाजार होके आ गए हम, हमने सामान भी लाया, सारा चिप्स वगैरह गोश्त भी ले आए, मसाले भी लेके आ गए एकदम बढ़िया तरीके से। चंद्रमा ओए होए 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 होए, नीचे क्या है? ए शाहिद भाई किधर गए थे पिकनिक फिर? अबे अटक गया यार। अच्छा कोकर ना, ओके कैसा मजा आया? ये देख लो जी हमारे चार्जिंग का इंतजाम, चार्ज लगा दिया है, ये रहा मीट। यामिन भाई आगे हाथ धो के अभी काम करेंगे, दबा के गोश्त करना है मैरिनेट, उसके बाद बनाएंगे बारबेक्यूज। ये है जी बारबेक्यू का सामान और वहाँ से नज़ारा। ओए पहले इसको काटेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस करना। कोयले का भी फुल इंतजाम है यहाँ पे, एकदम चकाचक। ओ बसोई बसोई। तो गाइज अभी हम आए हुए हैं मार्केट, मुझे जुकाम ने बड़ा परेशान कर रखा था, तो हम आ गए मेडिकल शॉप और मैंने ये नेजल ड्रॉप लाया, इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और ये रहा जी सोनमर्ग का मार्केट, यहाँ से हमने लाया, अब टेंट पे इसका उपयोग करेंगे। फिलहाल चलते हैं, पकड़ भाई मैं सोचे आप मार्केट के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। ये देखो जी यहाँ का मार्केट, ये देख लो जी क्या बात है। ओह अब आपकी आवाज़ चल रही है, हमने बारबेक्यू लगा के रखी थी। गाइस तू जल गई है, शिट। नहीं नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, मैंने बोला था ये जल जाएगा। नहीं सही है यार, स्पेशल बारबेक्यू। क्या बात है, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उठाई सारी बढ़िया कर ले। तो गाइज बारबेक्यू वगैरह खा ली और हम आ गए जी टेंट के अंदर। यहाँ पर यामिन भाई लेट गए, लेकिन अभी अब एक दिक्कत है, हमें ठंड बहुत लग रही है। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और हमने बस एक ब्लैंकेट साथ लाई हुई है, तो अभी समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें इस ब्लैंकेट का और कैसे सोए हम। करते हैं सोने की ट्राई, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे लगता है इस ब्लॉग को इतनी एंड कर देते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया किसी भी रीज़न से, गिव इट अ लाइक। आई विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज अभी हमने ये टेंट में चला दिया ताकि थोड़ा गर्म माहौल हो जाए, ठंड बहुत लग रही है यार। Talk about his check.